Today, in this video lecture, I am going to discuss to you people about a very important concept, that is the electric flux. आज के इस वीडियो कार्यक्रम में तुम लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आई वुड लाइक टू फोकस योर अटेंशन अबाउट द सरफेस एरिया. यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हम तुम लोगों को सरफेस एरिया या एरिया जैसे टर्म के बारे में तुम्हारा अटेंशन हम लेंगे. एज यू नो दैट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप बॉडीज हैव गॉट देयर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एरिया. जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप बॉडीज हुआ करते हैं, जैसे यदि हम एक रेक्टेंगल की बात करें तो एक रेक्टेंगल की एरिया, इट इज गिवन एज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट अ स्क्वायर, देन इट्स एरिया इज सिंपली गिवन बाय मेकिंग द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स साइड्स. सिमिलरली if we take the case of solid sphere, its total surface area is given as 4 pi r square. If we take the example of cylinder, ye jitne bhi bodies hain, fixed geometrical shape bodies hain, aur is tarah ke bodies ka ek nishchit area hua karta hai. My dear students, you know very well that area, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्केलर क्वांटिटी. अभी तक तुम यही जानते थे कि एरिया जो है वह एक स्केलर क्वांटिटी है, बट व्हाइल डीलिंग विथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यू ट्राई टू नो दैट दिस एरिया वेक्टर इज ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी. यानी ये जो एरिया जैसे शब्द की मैं बात कर रहा हूं, इसे हम एक वेक्टर क्वांटिटी के समान ट्रीट करते हैं. यदि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है. बॉडीज का जो सरफेस एरिया होता है वह भी दो तरह का, बॉडीज भी दो तरह के होते हैं, जैसे ओपन सरफेस, क्लोज सरफेस. जैसे हम अगर एक पाउडर की डिब्बा को ले लें तो जो पाउडर का डिब्बा है चारों तरफ से पैक्ड होता है, और ऐसे बॉडी को हम लोग क्लोज सरफेस के रूप में ले सकते हैं. उसी तरह से इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ मेटालिक स्फीयर, इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ क्लोज सरफेस. एक बैलून ले ले और उस बैलून में एयर को भर करके और उसके माउथ को यदि एक स्ट्रिंग से टाइटली वाउंड कर दिया जाए तो इस तरह से जो सरफेस बनता है वह क्लोज सरफेस कहलाता है. तो इस एरिया, कोई भी एरिया हो, यू कैन टेक दिस डायरी, it has got the shape of rectangle. If you want to calculate its area, it is a very simple job. Just you will take the product of length and breadth. But when a question arises in your mind that what will be its direction, agar tumhare mastishk mein ye sawal paida hoti hai ki bhai area ko hum ek vector quantity ke saman treat kare, तो जैसा कि तुम जानते हो किसी भी वेक्टर में दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. तो हाउ विल यू नो द डायरेक्शन ऑफ एरिया? सो टू नो द डायरेक्शन ऑफ एरिया वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, एंड दिस परपेंडिकुलर एक्ट्स
अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन। जैसे अगर ये सरफेस है और इस पर मैं ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो इसका जो एरिया होगा, उस एरिया का जो डायरेक्शन होगा वह आउटवर्ड नॉर्मल, यानी इस पर ये परपेंडिकुलर है, ये आउटवर्ड नॉर्मल का इसका डायरेक्शन होगा। तो पॉजिटिव आउटवर्ड नॉर्मल इट इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। नाउ वी कम टू आवर पॉइंट, वी वांट टू डिस्कस दी अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द फ्लो ऑफ ए लिक्विड थ्रू ए गिवन एरिया, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोडायनेमिक्स। जैसे कि तुम क्लास 11th में पढ़ चुके हो, यदि कोई लिक्विड हो और उस लिक्विड का प्रवाह किसी दी हुई एरिया से होती हो, जैसा कि तुम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि एक पाइपलाइन हो और उस पाइपलाइन से एक लिक्विड को फ्लो कराया जाए, तो उसकी जो टोटल मैकेनिज्म है उसको हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं। सो द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द फ्लो ऑफ ए लिक्विड एंड दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोडायनेमिक्स। नाउ हाउ विल यू डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स? याद रखो, जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना चाहते हैं तो इसका मतलब कि एक बॉडी होना चाहिए जिसका एक निश्चित एरिया होना चाहिए, और वह जो बॉडी है जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू एरिया की होती है, वह किसी चार बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाना चाहिए। तो यदि किसी चार बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस की हुई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी बॉडी को रखा जाए जिसके लिए एक निश्चित सरफेस एरिया की वैल्यू हो, तो हम कहते हैं कि उस दी हुई सरफेस से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, इन्हें ही हम उस दी हुई सरफेस से आबद्ध इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक दी हुई एरिया से जुड़ी है, हेल्ड इनसाइड द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अर्थात वह जो बॉडी होना चाहिए वह एक इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित होना चाहिए, एंड इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी इलेक्ट्रिक जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि उस सरफेस से होकर के क्रॉस करेंगी, वो संख्या ही उस सरफेस से जुड़ी हुई इलेक्ट्रिक फ्लक्स कही जाती है। इट इज डिनोटेड बाय फाई, एक सिंबल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, एंड इट इज फाई। रिमेंबर दैट दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड मैथमेटिकली इट इज गिवेन एज फाई इक्वल्स टू समेशन ई डॉट डेल्टा एस एंड इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस। नाउ सी हियर, व्हाट इज ए? ए दैट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड व्हाट इज डेल्टा एस? डेल्टा एस इज एन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एरिया। सिमिलरली हियर वी हैव रिटन इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ds दैट इज एलिमेंट्री एरिया। नाउ हियर इट रिप्रेजेंट्स द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, द वन फैक्टर इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द अदर फैक्टर
it is the area vector ds. So if we take the dot product of two vectors, namely electric field intensity and the area vector ds, and if we integrate it, then it becomes equal to the total electric flux associated with a given area. अब हम इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट हाइड्रोडायनेमिक्स से किस तरह से लिया गया है, इसी चीज को तुम लोगों को हम समझाना चाहते हैं. यू कैन सी इन दिस फिगर, यहां पर हमने इस तरह से एरो लाइन बनाया है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक कैनल है या एक रिवर है, और उस कैनल अथवा रिवर में पानी का फ्लो हो रहा है. वाटर इज फ्लोइंग. अब यह जो कैनल है या रिवर है, या एक पाइप भी लिया जा सकता है, जिसमें पानी का फ्लो जो है, तुम देख सकते हो ये डायरेक्शन बता रहा है, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी वेलोसिटी से आगे की ओर प्रवाहित हो रहे हैं. अब इस वाटर के फ्लो में, इस जल के प्रवाह में, वी हैव टेकन अ मेटलिक रिंग. यू कैन सी हियर, ये जो आकार देख रहे हो यह एक मेटलिक रिंग है, और इस मेटलिक रिंग को हमने जो फ्लो है उसके परपेंडिकुलर रखा है. जैसे यह मेटल का रिंग है और वाटर का फ्लो इससे हो रहा है. कल्पना किया जाता है कि यह जो मेटल का रिंग है, इस रिंग की जो एरिया है, उस एरिया का मैग्नीट्यूड ए है. अगर इस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को जानना चाहें, तो जैसा कि मैंने बताया कि मेटल का रिंग ये अगर है, तो इस पर बाहर की ओर आउटवार्ड डायरेक्शन ऐसे, आउटवार्ड नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करेंगे, और यह जो आउटवार्ड नॉर्मल है, तुम देख सकते हो इसके सेंटर से हमने एक लाइन खींचा है जिसमें साइन ऑफ एरो है, एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑफ दिस मेटलिक रिंग. नाउ इफ वन आस्क्ड अ क्वेश्चन टू यू पीपल दैट व्हाट विल बी द वॉल्यूम व्हिच विल क्रॉस थ्रू दिस मेटलिक रिंग इन वन सेकेंड, अगर तुमसे ये सवाल किया जाए कि इस मेटलिक रिंग से एक सेकंड में लिक्विड की कितनी वॉल्यूम एंट्री करेगी, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा भाई. एक चीज मैं ये बताऊं, यह जो रिंग है वेलोसिटी के बिल्कुल ही परपेंडिकुलर, इसका जो प्लेन है तुम देख सकते हो यह प्लेन, तो इस रिंग का जो प्लेन है, इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन वही है जो कि वेलोसिटी का है. ऐसी स्थिति में अगर तुमसे ये कोई कहे कि भाई एक सेकंड में इस लिक्विड की, इस वाटर की कितनी वॉल्यूम इस मेटलिक रिंग से होकर के पास करेगी, तो बड़ी ही आसानी से तुम ये निकालते हो और कुछ नहीं करते, एरिया और जो वेलोसिटी है इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हो. नाउ जस्ट इमेजिन द सिचुएशन इज दैट दिस मेटलिक रिंग इज नाउ इन टिल्टेड सिचुएशन. यह जो मेटल का रिंग है, थोड़ा सा इसको झुका दिया गया. अभी ये मेटल का रिंग, तुम देख सकते हो इसका प्लेन जो था वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है. अभी हमने क्या किया कि जो मेटल का ये रिंग है, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, थोड़ा झुका दिया, और तुम देख सकते हो इस पर जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, ये एरिया वेक्टर ए है और ये वेलोसिटी वेक्टर भी है. अगर टिल्ट किया इसको,
तो मान लिया जाता है कि इनके बीच की जो ये एंगल है वह थीटा के इक्वल है। और यदि इस स्थिति में हम ये कहें कि भाई अब बताओ कि एक सेकेंड में इस दी हुई मेटलिक रिंग से वाटर की कितनी वॉल्यूम क्रॉस करेगी, तुम्हें क्या करना होगा, इस ए का इसके डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना होगा और ये ए कॉस थीटा के बराबर होगा और इसके साथ इसका प्रोडक्ट लेना होगा। दैट इज आई मीन टू से दैट इन दैट वेरी सिचुएशन द वॉल्यूम फ्लक्स इट इज गिवन एज ए कॉस थीटा इंटू भी, ए कॉस थीटा इंटू भी। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर वी डॉट एरिया वेक्टर ए, यानी दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट ले लें, वेलोसिटी वी और एरिया ए का, तो हमें क्या मिलता है, वॉल्यूम फ्लक्स मिलता है। अब थोड़ा सा इसके एनालॉगी की बात करें, यदि यहां पर जो भी है इस भी को रिप्लेस कर दें किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से। इफ वी रिप्लेस दिस वेलोसिटी भी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, इन दैट वेरी सिचुएशन वट एवर वी गेट इट कम्स फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ए डॉट एरिया वेक्टर ए। हमने कुछ नहीं किया, हमने ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसकी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई को ले लिया और इस तरह से ये मिला E डॉट ए, एंड इट कैन बी रिटन एज E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। माय डियर स्टूडेंट्स, यह जो चीज मिला इसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर एक बहुत ही बड़ी एरिया है, जैसे मैंने एक बहुत छोटी सी एरिया डेल्टा एस लिया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट करता है, तो ई डॉट डी डेल्टा एस लिया, इसका मतलब कि उस छोटी सी एरिया से फ्लक्स इतना पैदा हुआ। अगर ऐसे ऐसे बहुत सारे एरिया हैं तो सारे एरिया से जो फ्लक्स एसोसिएट करेगी उस सब को हम ऐड कर देंगे, चूंकि यह एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए सामान्य तरीके से इसको ऐड कर देंगे, और इसलिए हमने यहाँ पर समेशन लिखा है, समेशन ई डॉट डेल्टा एस। बिल्कुल ही उसी तरह से एक बहुत ही छोटी सी एरिया डी एस हो तो उससे जो फ्लक्स एसोसिएट करती है इट इज गिवन एज ई डॉट डी एस, और यदि इसको इंटीग्रेट कर दिए तो इसका मतलब हुआ कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द इंटायर सरफेस एरिया। अब चूंकि यह जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यह दो वेक्टर फील्ड वेक्टर ए एंड एरिया वेक्टर डी एस इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट्स के तुल्य होती है, तो यदि इसके एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा भाई, तो तुम करो क्या, फील्ड का यूनिट लिखो, फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब और एरिया की मीटर स्क्वायर। दैट इज आई मीन टू से दैट द एसआई यूनिट कैरीड बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज गिवन एज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। नाउ इट इज द एंड ऑफ दिस वीडियो प्रोग्राम। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो प्रोग्राम आई वुड लाइक टू टेल यू दैट you must share this video among your friends, among your colleagues, and subscribe this video channel, and in next video program I will start the concept of Gauss law.
ओके थैंक्स।